अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंगो का सीजन चल रहा है और मैंगो को लेकर आपने बहुत सारी चीजें बनाई होगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पुडिंग, वो भी जेलिश टाइप में। तो बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार होता है और मैंने इसे बनाया है दो लेयर में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इसी तरह से बहुत ही आसान मेथड से घर पे ही मैंगो पुडिंग बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 कप दूध ले लिया है। ये नॉर्मल दूध है जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच भर कर चीनी, या फिर आप जितना मीठा पसंद करते हैं, और इसे एक उबाल आने देंगे। दूध में बहुत अच्छे से एक उबाल आ चुका है और दूध अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क जेली। यहाँ पे जो जेली का कलर है वो ग्रीन है। आपके जो भी मनपसंद कलर आप इस्तेमाल करना चाहें उस कलर की आप जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें इसके अंदर ऐड करके बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करना है। जेली को आप पानी में अच्छे से मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना रह जाए। और इसे बिल्कुल स्लो आंच पे बहुत ही अच्छे से इसे कुक करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और हमने जितना भी क्वांटिटी इसे इस्तेमाल किया था उससे थोड़ा कम भी हो चुका है। तो गैस को बंद कर लेते हैं। अब हम इसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांच की ट्रे ली है, या फिर जो भी आपके घर में डीप बर्तन हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम छान के ऐड करेंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह है वो सब निकल जाए और एक स्मूथ सा बैटर हमें मिल जाए। तो इसे हम रख देते हैं सेट होने के लिए साइड पर और दूसरे लेयर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंगो लिया है और इसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। तो अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसके अंदर हम सभी मैंगो के पीसीस को ऐड कर देंगे और मिक्सी को चला लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी को चला लिया है, तो इसे अब हम साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है चाइना घास, आप चाहे तो जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइना घास ये जो पैकेट आता है ना, वो 1 लीटर दूध या पानी के लिए होता है। तो इसका हम हाफ कर लेते हैं और इसका आधा पोर्शन हम एक बाउल में ले लेते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से भिगो देना है, ताकि ये जो चाइना घास है ना अच्छे से पीक जाए। तो अब हम इसे साइड पर रख लेते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर जो मैंगो पल्प है वो हम ऐड कर देंगे और साथ में हम चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर दिया है, या फिर आपको जितना मीठा पसंद है। और इसे बहुत ही अच्छे से हमें कुक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे कुक करते जाना है, लेकिन साइड में हमें चाइना घास जो हमने भिगोया था उसे भी हमें अच्छे से मेल्ट करना है। तो एक मैंने बाउल लिया है और इसके अंदर हम चाइना घास को ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि चाइना घास जो है ना बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती, यानी लिक्विड नहीं हो जाती। तो ये देखिए बहुत अच्छे से लिक्विड हो चुकी है, तो इसे हम साइड पे रख लेते हैं और अब हम मैंगो पल्प को अच्छे से कुक करेंगे। तो मैंगो पल्प जो है वो आप इसे दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैंगो थोड़ा भी खट्टा रहा ना तो दूध के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पानी में ही बनाइएगा, और जब आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाए तब आप इसे दूध में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो चाइना घास हमने पहले ही तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। तो 1 से 2 बाल आ जाने तक इसे हमें कुक करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो इस वक्त अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे अब हम देखिए ये छान लेंगे। अगर आपके पास चाइना घास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका पुडिंग है ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस इस तरह से हम सभी जो हमारा बैटर है उसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रह जाए। तो ये रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसको लेयर की तरफ। तो हमने जो पहला लेयर बनाया था ना, वो देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। जब तक ये पहला लेयर अच्छे से सेट ना हो जाए आप इसमें दूसरा लेयर ना ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसके ऊपर ही ऐड कर देते हैं दूसरे लेयर जो हमने मैंगो का लेयर बनाया है, उसे अच्छे से हम डाल देंगे। आप एक साथ इसमें ना डालें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करें। मैंगो का लेयर ऐड करने के बाद अब हम इसे गार्निशिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम से इसे थोड़े थोड़े गैप पर गार्निशिंग कर दिया है, या फिर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे गार्निशिंग करना चाहते हैं। मुझे बड़े टुकड़ों में इसे कट करना था, इसीलिए मैंने इस तरह से गैप रख के इसे गार्निशिंग किया है। तो अब हम इसे रख देते हैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे टर्न करके इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये डीमोल्ड हो जाता है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती। तो इसके ऊपर प्लेट रखकर हम इसे फ्रंट साइड में टर्न कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही अच्छे से डिमोल कर लिया है, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बस आप मैंगो के लेयर आप चाहे तो पानी में भी बना सकते हैं और दूध में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये पुडिंग बनकर तैयार होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे बस इस तरह से ट्रे में ही सेट करें, आपको मनपसंद जो भी आप इससे शेप देना चाहें ना, उस आप बाउल में या फिर आप इसे मोल्ड में भी सेट करके इस तरह से डिमोल्ड कर सकते हैं। तो ठंडा ठंडा सा ये पुडिंग सभी को बेहद पसंद आएगा, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे डबल लेयर वाली मैंगो पुडिंग की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप अपने कॉमेंट्स मुझे ज़रूर से भेजिएगा, आपके कॉमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह के मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।